मैंने प्रिया को पहली बार उसके वायु प्रकृति के ग्रुप में देखा था। उसे देखकर ही मैं समझ गया था ये हस्ती हुई पैदा हुई है। वायु प्रकृति के ग्रुप में तीन तरह की लड़कियां होती हैं, मित्रा, अमित्रा, सुमित्रा, यानी फ्रेंडली, नॉन फ्रेंडली और ओवर फ्रेंडली। ये हमेशा तीन ही होती है, ना दो ना चार। मित्रा यानी फ्रेंडली सबसे बातें करती है, खुद जाकर किसी लड़के से बात करके उसे परखती है, लेकिन जब वो देखती है कि ये बेवकूफ़ पहली मुलाकात में ही मेरा दीवाना हो गया है तो वो उससे धीरे धीरे बात करना कम कर देती है। ये अच्छी लड़की होती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती कि कम अकलों पर अपना वक्त ज़ाया करे। दूसरी होती है अमित्रा यानी नॉन फ्रेंडली। ये इस छोटे से ग्रुप की लीडर होती है, द क्वीन बी। ये ग्रुप के रूल बनाती है, कौन कैसे मेकअप करेगा, कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कौन से लड़कों से बातें करनी है। इसे गरीबों से बड़ी नफरत होती है और ये इन दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है। नाराज होती है, चिल्लाती है, बात ना बने तो दिल टूटने का या रोने धोने का इमोशनल ड्रामा भी करती है। लगभग सभी लड़कों से नॉन फ्रेंडली रहने वाली अमित्रा किसी एक परफेक्ट बंदे का वेट करती है जिस पर ये अपना पूरा पैर लुटा सके। तीसरी है सुमित्रा यानी ओवर फ्रेंडली। ये भी सबसे बातें करती है और कुछ ज़्यादा ही। ये इस बात से अनजान होती है कि ये जिससे बातें कर रही है वो इसके लिए दिन रात रोता है। ये परवाह ही नहीं करती, मजनूओं के साथ घंटों हंसती रहती है, दिमाग से पैदल पूरी तरह दिल से जीने वाली, भोली भाली बड़ी बड़ी आँखें खोलकर हर बात पर हैरान होती है, नासमझी की बातें करती है, लेकिन जितनी नासमझ ये लगती है उतनी होती नहीं है। बस ये परवाह ही नहीं करती कि कोई क्या सोच सोच कर मरे जा रहा है। प्रिया यही तीसरी सुमित्रा कन्या थी। उस दिन उसने घुटनों से 2 इंच नीचे तक सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहनी थी जिस पर बड़े बड़े गुलाबी रंग के फूल बने हुए थे। तेज़ आंधी आने के आसार थे, हवाओं के झोंके जमीन से मिट्टी और धूल के छोटे छोटे गोले बनाकर उछाल रहे थे। मैंने प्रिया को इसीलिए चुना क्योंकि वो लापरवाह होती है। उसके कपड़ों से पता चल रहा था कि उसके घर से बाहर निकलने में, घूमने फिरने में कोई पाबंदी नहीं है। जब भी मैं उसे बुलाऊं वो मुझसे मिलने आ सकती है। लड़की चुनते वक्त कभी सिरदर्द मत पालो। जो पहले से घबराती शर्माती फिरे, घर से बाहर निकलने में 100 बहाने बनाए, उसका मैं क्या करूँगा। आसान से आसान फायदेमंद रास्ता चुनो। मैंने उस लड़की को चुना जो मुझे सुख दे ना कि दुख दे। मैं उसे देखता ही जा रहा था और हवाएं तेज होती जा रही थी। प्रिया अपनी दोनों सहेलियों के साथ कॉलेज की खुली जगह पर बातें कर रही थी। बाकी स्टूडेंट आंधी से बचने के लिए पहले ही क्लास में चले गए थे। ये तीनों पता नहीं क्या सोच रहे थे, अब आंधी तेज हुई तो भागी। प्रिया एक हाथ में किताबें पकड़े, दूसरे हाथ से अपनी फड़फड़ाती फ्रॉक को संभालते हुए किसी भी क्लास की तरफ दौड़ी। तेज आंधी में भी मैं बिना पलक झपकाए उसे देखता जा रहा था। देखते ही देखते सब स्टूडेंट आंधियों में गई खो गए। मैं अकेला ही कुछ सोच सोच कर मुस्कुराता हुआ आंधी से तूफान बने उस मौसम में प्रिया की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। तभी मैं एक चट्टान जैसे लड़के से टकरा गया, वो हिला भी नहीं। मैं थोड़ा संभल कर देखा तो 3 लड़के मेरे सामने लाइन में खड़े थे। जिस बीच वाले लड़के से मैं टकराया था वो बोला, आसमां के पीछे तू ही जाता है ना। बोलता क्यों नहीं, राज तेरा ही नाम है ना। मैं चुप रहा और खुद को तैयार कर लिया। उसने फिर पूछा, सूरज को तूने मारा था ना। इस बार मैंने जवाब दिया, मैंने अपने लोहे जैसा सिर सामने वाले लड़के के पेट में मारने से पहले उसके साथ खड़े लड़के के ठुड्डी के नीचे गले के बीचों बीच मारने के लिए मेरे पैरों को स्टेशन से रवाना कर दिया। वज्रघात हो गया, सामने वाला लड़का 6 फुट दूर जाके गिरा और साथ खड़ा लड़का अपने गले को पकड़कर सड़क पर गिरा पड़ा था। मजाल है, 1 हफ्ते तक पानी की एक बूंद उसके गले से नीचे उतरे। तीसरा और इस लड़ाई का इकलौता गवाह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। हाँ, हमें किसी ने नहीं देखा था। सामने पड़ा लड़का अपने पेट की अतड़ियों को पकड़कर उल्टे सीधे योगासन कर रहा था और मैं उसे जाते जाते धमकाया, बेटा तू बाहर मिल। शक्ति औरत की पहली मांग है क्योंकि शक्ति सुरक्षा और स्वतंत्रता देती है। पिछले 2 साल में मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया था, लेकिन भगवान की दया से दुश्मन अच्छे खासे बना लिए थे। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी से दोस्ती करता ही नहीं था। बदमाश किस्म के सीनियर्स, कॉलेज के बाहर खड़े रहने वाले गुंडे, कई पॉलिटिशियन के साथ मेरा अच्छा दोस्ताना था। मैं किसी को कुछ कहता नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई मुझे कुछ भी कहता रहे। याद रखना, जिंदगी में तुम्हें कुछ भी हासिल करना हो तो तुम्हें साहसी होना होगा, तुम्हें एग्रेसिव बनना पड़ेगा। दुनिया तुम्हें कुछ भी आराम से नहीं करने देगी, चाहे बिजनेस हो, ऑफिस हो, प्यार हो, तुम्हें लेने वाला बनना पड़ेगा, अपना हक छीन कर लेना पड़ता है। लोग तो तुम्हें आराम से मरने भी नहीं देंगे। तुम प्रेम से बने हो और तुम प्रेम करने के लिए बने हो, कोई चाहकर भी ये तुमसे छीन नहीं सकता, पर तुम्हें इस पर हक जताना होगा, प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, आगे बढ़कर पहल करने वाला। मैंने कुछ दिनों तक प्रिया का पीछा किया और देखा जब वो अकेली होती है तो कैसा बिहेव करती है, पसंद के नापसंद के लड़कों के साथ कैसे अलग अलग पेश आती है, महीने के कौन से दिनों में वो चिड़चिड़ी और मूडी हो जाती है, कॉलेज में नहीं आती, और कौन से दिनों में वो हल्का महसूस करती है। और मैंने सबसे सुरक्षित दिन चुना। गुनगुना मौसम था, वो सीमेंट से बने बेंच पर बैठी थी और ऐसे बैठी थी कि धूप बस उसके घुटनों से लेकर पैरों तक पड़े। खुद को उसने धूप से बचा कर रखा था। बात करते वक्त अपना ध्यान टोन पर रखो, अंदाज पर रखो। टोन सब कुछ है। एक अच्छा सा शब्द है, हाय,
एक प्यारा सा सवाल है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ ये थोड़ा ज्यादा है। तुम्हारी शुरुआत बोल्ड होनी चाहिए, शिकारी सीमा में नहीं रहता, सुरक्षित तरीके तुम्हें कमजोर बना देती है। थोड़ा एग्रेसिव बनो, जो करना है करो, आगे बढ़कर बात करो, ये तुम्हारा हक है। बॉडी लैंग्वेज में एक टेक्निक है, मिरर टेक्निक, यानी जैसी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी होगी वैसी भी लड़की की भी होगी। तुम नर्वस हो गए तो वो नर्वस हो जाएगी, तुम घबरा गए तो वो घबरा जाएगी, तुम रिलैक्स रहे तो वो भी रिलैक्स रहेगी। तुम अपना ध्यान बस अपने टोन पर रखो, बाकी काम तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज संभाल लेगी। और यहाँ हमें लड़की के दिमाग को जीतना है, यहाँ हमें खूब सारी बातें करनी है। दिमाग जो देखता है सुनता है बस उसी को सच मानता है, यहाँ खामोशी खतरनाक है। अगर तुम्हें उसका नाम पहले से पता है तब भी पूछो, हो सकता है तुम्हें पता हो कि वो कहाँ रहती है तब भी उससे पूछो तुम कहाँ रहती हो। हो सकता है तुम्हें पता हो कि वो चाय नहीं पीती तब भी तुम उससे पूछ सकते हो, मेरे साथ चाय पीने चलोगी? बात करना जरूरी है, सवाल ये नहीं है कि तुम क्या पूछ रहे हो। मैं उसके पास से गुजर रहा था, उसके चेहरे से आंखें ही नहीं हट रही थी। उसने यूं ही एक उड़ती हुई नजर मुझ पर डाली, मैंने उन नजरों को अपनी नजरों में अटका लिया। हम दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। मैं बिना पलक झपकाए उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था ताकि वो मेरी बात सुनने के लिए खुद को तैयार कर ले। एक मुस्कान मेरे चेहरे पर माथे से लेकर कानों तक फैल गई, वो मेरा चेहरा देख रही थी। मैंने उसे नजर मिलाने से लेकर उसके 2 फीट दूर आके मुस्कुरा कर रुकने के बीच उसे कोई ब्रेक नहीं दिया। मेरा एक हाथ जेब में था और एक हाथ में नोटबुक रोल करके पकड़ा था। एक पैर उस सीमेंट के बेंच के किनारे पर ऐसे रखते हुए जिससे बैठने वाले के कपड़े भी गंदे ना हो, मैंने कहा, हाय क्या नाम है तुम्हारा?